अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त आपका अजीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। भाइयों, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हकीम जी, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए कोई अच्छा सा वर्क करने वाला, जल्दी रिजल्ट देने वाला कोई फार्मूला आप हमें शेयर कर दें। तो आज मैं अनवांटेड हेयर को बिल्कुल ही हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करने के लिए एक आसान सा फार्मूला लेकर हाजिर हुआ। केवल इसमें तीन चीज़ें आपको लेनी है। नंबर एक, इसमें आपको लेना है हंसराज। हंसराज आपको इसमें लेना है। हंसराज की वीडियो मैंने अनवांटेड हेयर के लिए पहले भी अपलोड की हुई है। तो हंसराज इसमें लेना है, ये अलग नुस्खा है, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। हंसराज इसमें आपको लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम आप हंसराज लेंगे और 20 ग्राम आपको लेना है अमलतास। अमलतास के नाम से आपको मिल जाएगा या ख्यार शंबरी के नाम से आपको मिल जाएगा। ये आपको 20 ग्राम लेना है। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है इसमें कफ़े दरिया। कफ़े दरिया के नाम से मिल जाएगा या समंदर झाग के नाम से मिल जाएगा। तो ये भी आपको 20 ग्राम लेना। तीनों आइटम आप 20-20 ग्राम ले लेंगे। फिर आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है या तरीका इसे बनाने का है, वो सारी बातें कर दी जाए। तो आपको जो आपने लिया हुआ ख्यार शंबर और एक चीज़ आपने दी हुई है हंसराज, ये दोनों आइटम लेकर आपको इसको जलाना है। जलाकर इसकी राख करना है। राख का आप बारीक बारीक छान कर जो है उसको इकट्ठा कर लें, पाउडर बना लें। और फिर आपने जो लिया हुआ है कफ़े दरिया उसको भी रखें, तीनों आइटम को शामिल कर लें। फिर आपको एक चीज़ लेनी है मोम। मोम आपको यहाँ लेना है 40 ग्राम। और कोकोनट ऑयल आपको यहाँ लेना है 90 ग्राम। तो आपको करना क्या है कि एक बर्तन ले लें और उसमें तेल डाल दें और नीचे आग रोशन कर दें। फिर आपको उसके अंदर जब तेल गर्म हो जाए तो मोम ऐड कर देना है। जब मोम अच्छे से पिघल जाए और तेल खूब गर्म हो जाए, जोश मारने लगे, तो फिर आपको उसके अंदर ये पाउडर जो तीन दवाओं का, ख्यार शंबर का, कफ़े दरिया का, हंसराज का, जो आपने तैयार किया हुआ है, ये उसके अंदर ऐड करना है। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आप उतार कर बर्तन को आग से नीचे रख लेंगे। फिर आप उसको हिलाते जाएं बराबर चम्मच से, और उसको जब वो ठंडा हो जाए तो एक डब्बी में पैक करके रख लें। फिर जहाँ के बाल आपको हटाने हैं वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें, शाम को लगाएं, सुबह को धो दें। अब मैं ये बता दूँ कि आपको अनवांटेड हेयर हैं कौन कौन से। तो अगर आपके शोल्डर पर बाल हैं अनवांटेड है, कमर पर बाल हैं अनवांटेड है, आपके चिक के इस हिस्से पर बाल हैं अनवांटेड है। तो यहाँ के बालों पर हमने आजमाया हुआ है। बाकी यह है कि अगर आप कहें कि यहाँ के बाल रिमूव हो जाएं हमेशा के लिए, तो ये अनवांटेड नहीं है। लेग्स के बाल, जो टांगों के बाल होते हैं, वो रिमूव हो जाएं, वो अनवांटेड नहीं है। तो जो आपके प्राइवेट पार्ट के बाल हैं वो अनवांटेड नहीं है। बहरहाल उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इन पार्ट पर जहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये अनवांटेड नहीं है, अगर आप यहाँ लगाएं तो काम कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो जिस जगह पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो पार्ट ये हैं, यानी कि आपके शोल्डर, आपकी कमर, ये इन जगह पर इस्तेमाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो भाइयों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को उन भाइयों को शेयर करें, उन बहनों को शेयर करें जो इस मर्ज में, इस रोग में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आपका और मेरा इंशाल्लाह भला हो जाएगा और उन सबों का भी भला हो जाएगा। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नई पेशकश के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी सपोर्ट करते रहिए, बराबर बने रहिए। और हाँ, यहाँ रोक कर एक बात कहूँ कि हर यहाँ पर जो जानकारी मैं देता हूँ, जो वीडियो यहाँ अपलोड करता हूँ, वो नुस्खे सारे आजमूदा होते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप हर वीडियो को
देखा करें, इग्नोर ना किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।